अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। आज हम बात करते हैं कुछ हैंगिंग प्लांट्स की। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है और आपको प्लांट्स का शौक़ है, प्लांट्स लगाने का, तो आप एक छोटा सा वर्टिकल गार्डन बनाकर और ये सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई महंगे पॉट्स की भी ज़रूरत नहीं। जैसा कि मैं कहती हूँ, आजकल इस कदर की बॉटल्स अफराद हैं हर घर में, पानी की, पेप्सी की, तो आप इन बॉटल्स के सहारे उनको कट करके और उसमें जो है लाइट सॉइल मीडिया भर के आराम से जो है पॉट्स तैयार करिए। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को एक बार मैं दिखा चुकी हूँ, ये हमारा वो पाइप है। जब पाइप चेंज कराए गए थे हमारे यहाँ, तो ये लोहे के पाइप निकले थे। ये काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी हालत में थे, तो मैंने इनको इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने मिस्त्री को बुला के यूँ लगवा लिया था। अभी दूसरी साइड भी दिखाती हूँ। चलिए, खैर ये तो बात हो गई पाइप्स की। तो इसमें पहले नंबर पे आता है, देखिए, बेबी टीयर्स। और ये भी बहुत ही इजीली लगने वाला प्लांट है और इसकी छोटी से छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये थोड़ा धूप में है तो डल सा हो रहा है। मैं भी आपको दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है और इसको आप अपने गार्डन में जो है जगह दीजिए और हैंगिंग पॉट में इसको लगाइए। दूसरे नंबर पे आता है ये पर्सलेन। इसमें दो कलर होते हैं, एक थोड़ा सा रेडिश कलर होता है और एक येलो कलर होता है। आप इसको लगाएं। और फिर तीसरे नंबर पे ये देखिए आता है, मैंने लगाया हुआ है टेंगल हार्ट। ये भी बहुत इजीली जो है कटिंग से लग जाता है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी भी लग जाती है। इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दीजिए। देखिए कितना है, खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद देखिए, ये बॉटल है सरसों के तेल की, उसमें मैंने ये लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे जेड की कुछ कटिंग्स हैं जो मुझे ग्रो करनी थी। ये बॉटल खाली पड़ी थी, मैंने इसी में लगा दिया है और देखिए सारी कटिंग्स ग्रो हो रही हैं। अच्छा, अब आप एक प्लांट ये भी है और इसको लगा सकते हैं। दिखाने की कोशिश करती हूँ और देखिए शायद सही नहीं आया, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये हमारा जेड। और उसके बाद इसको लोरोपेटलम और लाल बादशाह कई नामों से जाना जाता है। ये भी हैंगिंग के लिए, हेज के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और फिर ये हमारा रियो है, इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। और फिर आता है ये हमारा कैलेंचू, ये वेरीगेटेड वाला है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे मनी प्लांट की कटिंग्स लगी हुई हैं और बिल्ली के बच्चे बहुत हैं, उन्होंने सब इधर से उधर फेंका। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, घुस गया अंदर। देखिए मैं दिखाती हूँ, चला गया अंदर को। दिख गया शायद आपको, ये देखिए बैठे हुए महाराज, तीन बच्चे हैं और वो गदर काटते हैं। ये हमारे गार्डन में बहुत ही सब उलट पुलट मचाए पड़े हैं। बहरहाल खैर, इसी में अब आता है ये देखिए हमारा अजवाइन का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, देखिए बॉटल के छोटे से हिस्से में। और देखिए इसकी रूट्स, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी रूट्स बाहर को आई हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है। ये एक्चुअल में ये अजवाइन का प्लांट नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस ऐसी होती है बिल्कुल अजवाइन की तरह, इसलिए लोग इसको अजवाइन बोल लेते हैं, और वरना ये अजवाइन नहीं है। और फिर ये देखिए चाइनीज़ वॉलेट, जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। जो प्लांट हमारे पास थे बड़े बड़े, वो सब मैंने ख़त्म कर दिए थे और ये कटिंग लगाई थी। देखिए सारी कटिंग चल गई हैं। और ये देखिए टर्टल वाइन लगाई थी, सॉरी टेंगल हार्ट,
इसकी भी घटी लगाई थी, ये भी चल रही है। इधर हमारा अजवाइन हैंगिंग में, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहा है। और फिर अब आता है नंबर इसका एस्पेरागस ग्रास। इसमें जो है ट्यूबर होते हैं, आपको कहीं से भी एक ट्यूबर मिल जाए आप उसको लगा दीजिए, फिर आपके पॉट्स बढ़ते चले जाएंगे। देखिए टर्टल वाइन, इसको भी आप कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इधर लगा हुआ है, मैं टर्न होती हूँ, ये देखिए मैंने लगाया था, ये तेज़ धूप की वजह से इनकी ऐसी हालत हो रही है। और मैं इसको हटा के कोई दूसरा पॉट इधर हैंग कर दूँगी। और ये है वैंडरिंग ज्यू, इसको मैं अभी जो प्लांट हमारी अच्छी हालत में उस अभी वो दिखाती हूँ। अगेन टर्टल वाइन हमारी यहाँ पे, और एरोहेड सिंगोनियम, इसको भी हैंगिंग में लगा सकते हैं। और इधर हमारा ये देखिए, थोड़ा सा पानी नहीं मिला है, इधर बारिशें थी लगातार तो फिर इधर पानी नहीं दिया मैंने। और ये देखिए इसकी हालत ख़राब हो रही है, स्वीट पोटैटो वाइन है। और अगर आपको शौक़ है तो देखिए हैंगिंग में पुदीना भी ग्रो कर दीजिए, खूबसूरती की खूबसूरती रहेगी, ग्रीनरी नहीं रहेगी, और प्लस जो है आपको पुदीना भी ऑर्गेनिक मिल जाएगा। ये देखिए कुर्सीला का, इसको भी हैंगिंग में लगाइए। अब इधर ये देखिए पर्पल हार्ट, इसको भी आप हैंगिंग में लगाइए। और इधर देखिए फॉक्सटेल फर्न, ये कटिंग्स नहीं लगता है, इसमें भी ट्यूबर होते हैं, आप इसको भी हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये देखिए इसको जो है लोग बोल देते हैं पिंक कलर वाली या रेड कलर वाली टर्टल वाइन, इसका एक्चुअल नेम शायद अल्टरनेंथ्रा कुछ इस तरह से है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में लगा दीजिए। और देखिए अभी इसका नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, और देखिए मैं मेंशन कर दूँगी, आप इसको भी कटिंग के थ्रू इजीली लगा सकते हैं, इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। और ये देखिए इसको भी आप लगा सकते हैं, रिबन ग्रास है बहुत सारे। और इधर ये है लैंटाना, आप इसको भी कटिंग से ग्रो करके आराम से लगा सकते हैं हैंगिंग में। और ये देखिए बास्केट चेन प्लांट, ये तो है ही है। ये देखिए इधर है कैलेंचो हमारा दूसरा वाला, और दिखाने अगर आप लगाएं तो ये तो हर जगह ही लग जाता है, मैंने अपने जो है टेरिस पे लगाया हुआ भी है बॉटल में, और लगा के हैंग किया है विन का, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इधर भी हमारा बास्केट चेन, और ये वैंडरिंग ज्यू, आप तो इनको भी जगह दे सकते हैं अपने हैंगिंग में, स्नेक प्लांट है। और ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंगिंग में। तो फ़िलहाल तो कुछ यही सब प्लांट हमारी नज़र में थे जो मैंने आपको बताए। चलिए गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।